वुमन चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी ने कटरा वजीर में पैदा हुई एक नन्ही बेटी को ताज पहनाकर सम्मान किया। वो उसकी मां को भी माला पहनाकर बधाई दी। संस्था के मंडल अध्यक्ष कावेरी शाक्या ने बताया कि आज की बेटी हमारी किसी से कम नहीं है, वो एक बेटी ही अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखती है। उन्होंने बताया कि बेटियाँ बेटों से कम नहीं है, बेटियों को घर में न छुपाकर उनको सशक्त बनाना चाहिए जिससे बेटियाँ हर मुश्किल का सामना खुद कर सके। मैंने वुमेन चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से प्रधानमंत्री की मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पे हमारा एक प्रोग्राम चलता है सोसाइटी की तरफ से, आज की बेटी कल का ताज। हमने यहाँ पर इनके यहाँ बेटी हुई थी, उनको सम्मानित किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम बेटियों को इसलिए सम्मानित करते हैं ताकि किसी को अपनी बेटी बोझ ना लगे, बेटियाँ पढ़ाएँ लिखाएँ। अगर किसी को बेटी अपनी बोझ लगती है तो उनके लिए हम लोग हैं, हम ये बताना चाहते हैं सब। क्या संदेश देना चाह रही हैं आप समाज को? बस मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि प्लीज़ सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अपनी बेटियों की, ये सरकार ये जनता नहीं रक्षा करेगी, आप स्वयं अपनी बेटियों को इस काबिल बनाएं कि वो खुद रक्षा करें अपनी इस संस्था के लिए। मैं सभी बहनों को बताना चाह रही हूँ कि बेटियों को जो समझते हैं कि भेदभाव ना करें, जैसे बेटों को कुछ ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और बेटियों को कम समझते हैं, वो ऐसा भेदभाव बिल्कुल ही ना करें। जैसे बेटा है वैसे ही बेटी है, और पढ़ाई लिखाई में जैसे भी जो कुछ है उसमें सब बेटी को बढ़ावा समझना चाहिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।